Let us discuss the law of segregation, also known as law of purity of gametes. तो ये मेंडल का सेकंड लॉ है और इस लॉ में मेंडल ने बताया था कि जब प्लांट के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, दो प्लांट के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, तो उसके बाद जब गमेट्स फॉर्म होते हैं तो गमेट्स फॉर्मेशन के टाइम पे जो जीन होते हैं उसके जो अल्टरनेटिव फॉर्म अलील होंगे वो अलील क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं. मतलब एट द टाइम ऑफ गमेट फॉर्मेशन द अलील फॉर द पर्टिकुलर जीन और फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टर गेट सेपरेटेड. ठीक है, और हर एक गमेट के अंदर एक एक अलील पास होगा. तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्चुअली पोस्टुलेट्स या ऑब्जर्वेशन. तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे दो प्लांट्स लेंगे उनके बीच में फर्टिलाइजेशन करेंगे. तो यहाँ पे कंसिडर करते हैं एक टॉल प्लांट, टॉल प्लांट जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल टी जीनोटाइप से. उसका क्रॉस हम करते हैं डॉफ प्लांट के साथ, डॉफ प्लांट, और उसका जो जीनोटाइप होगा स्मॉल टी होगा. अभी दिस इज अ पैरेंटल जनरेशन. नेक्स्ट यहाँ पे गमिट्स फॉर्म होंगे और हमें पता है गमिट्स फॉर्मेशन कौन से प्रोसेस से होता है. यहाँ पे कैपिटल टी, एक गमिट के अंदर कैपिटल टी जाएगा और दूसरे गमिट के अंदर कैपिटल टी. तो यहाँ पे 50% जो गमिट्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, मतलब एक्चुअली अलील ट्रांसफर होंगे इनटू द गमिट्स. तो यहाँ पे भी 50% जो अलील है इसमें जाएंगे और 50% अलील दूसरे गमिट्स में जाएंगे. तो ये जो प्रोसेस होंगी गमिट फॉर्मेशन ये मियोसिस के थ्रू होती है. उसके बाद अभी हो सकता है ये जो गमिट है इसका फ्यूजन इसके साथ हो जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाए, इसका फ्यूजन यदि इसके साथ हो जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाए. ठीक है, यदि इसका फ्यूजन इसके साथ होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा और इसका फ्यूजन यदि इसके साथ होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा. तो रैंडम प्रोसेस है, जो भी फर्टिलाइजेशन होगा फ्यूजन होगा इन बिटवीन द गमिट्स वो हम बता नहीं सकते कि कौन सा गमिट कौन से गमिट के साथ फ्यूज करेगा. तो लेकिन फीमेल गमिट मेल गमिट के साथ फ्यूज होगा तो प्रोबेबल जो भी ऑस्प्रिंग्स रहेंगे ये सारे के सारे जो ऑस्प्रिंग्स है ये कैपिटल टी स्मॉल टी बन गए. और ये जो जनरेशन है ये है एफ वन जनरेशन. एफ वन जनरेशन के अंदर सारे जो ऑस्प्रिंग्स रहेंगे ये हो गए ऑस्प्रिंग्स. ठीक है, और ऑस्प्रिंग्स सारे कैसे रहेंगे, टॉल, सारे के सारे टॉल. लेकिन यहाँ पे ये जो पेरेंट था वो भी टॉल था, ये पेरेंट डॉफ है. ये जो पेरेंट है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और यहाँ पे जो ऑस्प्रिंग्स बने ये सारे हाइब्रिड्स थे. हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब ये जो दो अलील है ये अलील एक्चुअली एक जीन होगा, जीन पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए एक जीन होता है और वो जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं जिसको हम अलील बोलते हैं. तो अभी होमोजाइगस कंडीशन में दोनों अलील एक जैसे रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे. तो यहाँ पे भी आइडेंटिकल है तो होमोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे आप, और यहाँ पे भी आइडेंटिकल अलील है एक जैसे है स्मॉल टी स्मॉल टी. यहाँ पे हाइब्रिड क्योंकि दोनों जो अलील है वो एक जैसे नहीं है. तो लेकिन फिर भी इसका फिनोटाइप टॉल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल टी होता है इसको हम डोमिनेंट अलील बोलते हैं और डोमिनेंट अलील की टेंडेंसी ही होती है कि वो एक्सप्रेस करता है इन बोथ कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन. इन बोथ कंडीशन द डोमिनेंट एलील इज एबल टू शो इट्स एक्सप्रेशन, उसके एक्सप्रेशन दिखाना वो मतलब उसकी एबिलिटी रहती है. ठीक है, तो इसलिए ये जो डोमिनेंट एलील है ये अपना फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन दिखाएगा और सारे जो ऑस्प्रिंग्स है वो टॉल रहेंगे. तो ये नेक्स्ट अभी एफ वन जनरेशन का यदि हम सेल्फिंग करते हैं तो सेल्फिंग मीन्स द फर्टिलाइजेशन बिटवीन द सेम मेंबर ऑफ द या मेंबर ऑफ द सेम जनरेशन के मेंबर के यदि बीच में हम फर्टिलाइजेशन करते हैं क्रॉस करते हैं तो उसको हम सेल्फिंग बोलते हैं. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे, सेल्फिंग. और सेल्फिंग किसकी कर रहे हैं, एफ वन जनरेशन की. तो एफ वन जनरेशन के अंदर के ऑस्प्रिंग्स कौन से हैं, उनका जीनोटाइप कौन सा है, कैपिटल टी या स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनका फिनोटाइप क्या होगा, टॉल. ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन दिखते हैं उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो जेनेटिक मेकअप है उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं. तो ये हो गया फिनोटाइप टॉल और दिस इज अ जीनोटाइप. अभी ये एफ वन जनरेशन के ऑस्प्रिंग्स है, अभी इनके भी गमिट्स फॉर्म होंगे, एक गमिट के अंदर कैपिटल टी अलील जाएगा दूसरे गमिट के अंदर स्मॉल टी जाएगा, यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी. अभी यहाँ पे भी हम पॉसिबल ऑस्प्रिंग्स निकालेंगे तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस मेथड से ऑस्प्रिंग्स निकाल सकते हैं या
हम पुनेट स्क्वायर को ड्रॉ करके भी पॉसिबल ऑस्प्रिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रहेंगे। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है, यहाँ पे हम मेल गमेट्स लिख देंगे और यहाँ पे फीमेल गमेट्स लिख देंगे। तो यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ये फीमेल गमेट है, फीमेल है और ये मेल है। तो यहाँ पे फीमेल गमेट्स हो जाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यदि ये फीमेल गमेट का फ्यूजन ये मेल गमेट के साथ होता है तो कैपिटल टी कैपिटल टी, इसका यदि इसके साथ होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये यदि फ्यूज होता है ये गमेट के साथ तो स्मॉल टी स्मॉल टी। अभी हम देखेंगे पॉसिबल ऑफस्प्रिंग्स के जीनोटाइप। क्या देखेंगे? जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप। तो जेनेटिक मेकअप कितने टाइप्स के यहाँ पे जीनोटाइप मिले? एक तो कैपिटल टी है, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी है और स्मॉल टी है। कैपिटल टी कितना है? 1 आया। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना मिला? 2 मिले और स्मॉल टी 1 मिला। तो दिस इज नोन एज अ जीनोटिपिक रेशियो, 1:2, 2:1, ये हो गया जीनोटिपिक रेशियो। अभी हम फिनोटाइप देखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या कैसे दिख रहा है, टॉल है कि डॉफ है। तो यहाँ पे जो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब बहुत होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस कंडीशन का जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन रहेगा वो रहेगा टॉल। तो यहाँ पे टॉल और दूसरा होगा डॉफ। ठीक है, अभी टॉल कितने हैं? 2 और 1, 3, तो 3:1। तो दिस इज 3:1 इज द फिनोटिपिक रेशियो, इसको हम बोलेंगे फिनोटिपिक रेशियो। अभी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि एट द टाइम ऑफ गमेट फॉर्मेशन के टाइम पे अलील्स गेट सेपरेट एंड ईच गमेट कैरी द वन अलील फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टर। एक गमेट के अंदर एक ही अलील जाएगा, ऐसे कभी नहीं होगा कि दोनों के दोनों अलील एक गमेट के अंदर गए और दूसरे गमेट के अंदर जीरो हो जाएगा, ऐसे कभी नहीं होगा। यदि हम एक कैरेक्टर कंसिडर करते हैं, वो कैरेक्टर के लिए जीन होगा और वो एक जीन के दो अलील होंगे और वो दोनों अलील अलग अलग गमेट्स में ट्रांसफर होंगे एट द टाइम ऑफ गमेट फॉर्मेशन। अभी उसी लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमेट्स बोलते हैं। तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमेट्स के हिसाब से ये जो भी गमेट्स फॉर्म होते हैं उसके अंदर ये जो अलील होते हैं ये प्योर होते हैं, उनमें कुछ भी इम्प्यूरिटी नहीं रहती है। प्योर रहते मतलब फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, उनका जो भी ट्रेट है, जैसे कि कैपिटल टी या कैपिटल टी का ट्रेट क्या है? टॉलनेस। स्मॉल टी का ट्रेट क्या है? वो क्या दिखाता है? डॉफनेस। ठीक है, तो अभी ये जब दो फ्यूज हो जाते हैं और F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा और इसका जो फिनोटाइप है ये टॉल है, लेकिन टॉल कैसे रहेगा? जैसे पेरेंट की हाइट थी, सपोज यहाँ पे पेरेंट की हाइट थी 6 to 7 feet टॉल प्लांट और डॉग प्लांट की हाइट थी सपोज 1 to 2 feet। तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो टॉल है, टॉल है मतलब उनकी हाइट कितनी रहेगी? 6 to 7 feet की ही रहेंगी। तो ये जो कैपिटल टी है वो अभी भी प्योर है। ठीक है, उसने अपने कैरेक्टर को या उसने अपने फिनोटाइप को या ट्रेट को प्रिजर्व करके रखा है। और यहाँ पे इसके साथ जो स्मॉल टी है वो भी प्योर है, उसने भी अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं किया है। ये कब पता चला उसने अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं किया? जब हमने F1 जनरेशन के सेल्फिंग किया, सेल्फिंग करने के बाद यहाँ पे गमिट्स फॉर्म हो गए और गमिट फॉर्मेशन के बाद जब हमने इनका फर्टिलाइजेशन किया तो ये जो स्मॉल टी है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ गई तो ये जो स्मॉल टी है उसका आइडेंटिकल अलील जैसे उसको मिल गया तो उसने अपने फिनोटाइप को दिखाया, उसने अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस किया और वो एक्सप्रेशन था उसका डॉफनेस। यदि ये स्मॉल टी ने अपनी आइडेंटिटी को यदि यहाँ पे लॉस करता था तो ये सेकंड जनरेशन में, ये हो गई F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में ये स्मॉल टी अपने फिनोटाइप को दिखाने मतलब उसके लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन ये जो अलील है ये अलील अभी भी प्योर है, तो इसीलिए इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमिट्स भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी गमिट्स फॉर्म होंगे ये जो उसमें जो अलील ट्रांसफर होंगे वो अलील अपने आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखते हैं, वो प्योर रहते हैं फॉर देयर पर्टिकुलर ट्रेट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमिट्स।